नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं महासंग्राम का महाकवरेज। मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनावों का जो परिणामों का जो दूसरा दौर है उसका सीधा कवरेज, सबसे तेज कवरेज हम आपको पहुंचा रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश की 214 नगर निकायों की मतगणना का जो दूसरा दौर चल रहा है उसकी पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे 300 से ज़्यादा संवाददाता चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, हर शहर में हर कस्बे में तैनात हैं और आपको हर पल की खबर सबसे तेज़ दे रहे हैं। ताज़ा रुझान ये है कि जो आज 5 नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं, 5 नगर निगम के जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी को थोड़ा सा धक्का है। 3 सीटों पर वो आगे चल रही है, देवास में आगे है, रतलाम में आगे है और कटनी में अभी अभी आगे हुई है, लेकिन रीवा और मुरैना में काफ़ी पीछे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। बता दें अपने दर्शकों को कि पिछली बार 2014-15 में जब 16 नगर निकायों के चुनाव हुए थे तो सभी 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा झटका लगा है, बल्कि मैं कहूँगा थोड़ा नहीं काफ़ी झटका लगा है। 2 सीटें इस बार भी पीछे चल रही हैं सेकेंड दौर में और 3 सीटें पहले दौर में भारतीय जनता पार्टी हारी है। यानी कम से कम अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को अभी की स्थिति में 5 नगर निगमों में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक 40 नगर पालिकाओं की बात की जाए तो वहां भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन कांग्रेस पहले से 2014 की तुलना में काफ़ी बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है और उसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। ताज़ा रुझान मेरे पास आरोन का आया था, जो गुना जिले की सीट है, रागौड़ से लगी हुई सीट है, वहाँ कांग्रेस ने फतेह हासिल की है, जीत हासिल की है। जहाँ तक बात की जाए पोलायकला की, अकोदिया मंडी की, शुजालपुर की, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। खरगोन में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और अगर मैं फिर से नगर निगम चुनावों की बात करूँ तो नगर निगम में रतलाम में भाजपा के जो महापौर प्रत्याशी हैं प्रहलाद पटेल वो आगे चल रहे हैं, देवास में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आगे चल रही है और कटनी में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अभी अभी आगे हुई हैं। लेकिन एक बहुत ही चौंकाने वाला परिणाम मुरैना से आ रहा है, वहाँ कांग्रेस की उम्मीदवार काफ़ी आगे चल रही हैं, उनका बढ़त जो है वो 10,000 के आसपास हो गई है और ये नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री के लिए ये निश्चित रूप से एक बड़ा झटका होगा ग्वालियर के बाद अगर वो मुरैना भी हार जाते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के लिए झटका ये भी है कि विजयपुर जो श्योपुर जिले में आता है और नरेंद्र सिंह तोमर की विधानसभा का हिस्सा है, वहाँ लोकसभा का हिस्सा है, वहाँ भी कांग्रेस को बढ़त मिली है। यानी ये कहा जा सकता है कि चंबल, खासकर जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के प्रभाव वाला बेल्ट है, वहाँ पर कांग्रेस अच्छा कर रही है और ये तब कर रही है जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा चुका है। एक नई पैनल मेरे साथ है, गोविंद मालू भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और डॉक्टर अमीनुल खान सूरी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। गोविंद जी, आपके लिए निराशाजनक खबर, नरेंद्र सिंह तोमर के आप बड़े कट्टर समर्थक माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में ग्वालियर और ग्वालियर के बाद अब मुरैना में बिहार, नरेंद्र सिंह तोमर की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ये चुनाव कोई किसी की राजनीति की दिशा दशा तय नहीं करते, अभी तो आना बाकी है शाम तक के परिणाम। ग्वालियर में निश्चित रूप से हार हुई है, उसकी जिम्मेदारी यहाँ सब नेताओं की है और सबने वहाँ पर काम किया है। मुरैना का जहाँ तक सवाल है, अभी परिणाम केवल 2-3 राउंड में हम केवल ये 10,000 के पीछे, मुरैना कोई बहुत बड़ी नगर निगम नहीं है, 10,000 के पीछे ये 2-3 राउंड हुए हैं, अभी शाम तक परिणाम आने दीजिए, अभी कैसे पराजय स्वीकार कर लेंगे हम? नहीं, मत करिए, लेकिन मैं देखिए संभावना बता रहा हूँ, देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल, संभावनाओं की कला है राजनीति, खेल नहीं। और ये कला अभी अभी शाम तक देखिए, अभी कटनी में पहले निर्दलीय आगे था, फिर वापस बीजेपी आगे हो गई, अब निर्दलीय आगे में रतलाम में। तो देखिए ये जो बहुत ही क्लोज फाइट जहाँ होती है वहाँ पर ऊपर नीचे होता रहता है, अभी तो 32-33 राउंड होना बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर यदि एक भी हारते हैं तो हम उस पर चिंतन तो करेंगे। अभी एक ब्रेकिंग ये है कि कटनी में फिर से निर्दलीय प्रीति सूरी जो भारतीय जनता पार्टी की बागी बताई जा रही है वो आगे हो गई है। जी गोविंद जी, पर देखिए मैंने ये एक चिंतन का विषय तो है कि देखिए वहाँ ये कहा जा रहा है ग्वालियर में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर की खींचतान में भारतीय जनता पार्टी का 56 साल पुराना किला ढह गया। देखिए ये कोई खींचतान नहीं थी, सभी लोगों ने काम किया वहाँ, तो सिंधिया जी हों, चाहे तोमर जी हों, चाहे वी डी शर्मा जी हों, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हों,
अनूप मिश्रा जी हों, सब लोगों ने एकजुट होकर वहाँ पर काम किया, क्योंकि उम्मीदवार के बारे में भी काफ़ी लेट डिसीजन हुआ जहाँ पर उम्मीदवार की बात थी। जो लेट डिसीजन तो इंदौर में भी हुआ उम्मीदवार का सेम डे, नहीं लेकिन आप इंदौर में जीत गए। देखिए इंदौर और ग्वालियर के कल्चर और मानसिकता माइंड सेट में अंतर है। नहीं पर आप ये, और आप ये क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि आपका जो मूल कार्यकर्ता है, गोविंद जी, आपका जो मूल कार्यकर्ता है वो सिंधिया को पचा नहीं पा रहा ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में तो पचा लिया क्योंकि मध्य प्रदेश में सिंधिया अफेक्ट नहीं करते, लेकिन ग्वालियर का जो मूल कार्यकर्ता है जिसने सिंधिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जो सिंधिया के कार्यकर्ताओं के खिलाफ झंडे डंडे लेकर खड़ा रहा है, प्रतीक जी सिंधिया जी को पचा नहीं पा रहा। नहीं प्रतीक जी, इसमें सिंधिया जी का क्या जोर हो रहा है? ये उम्मीदवार कोई सिंधिया जी के साथ आए हुए, कांग्रेस से आए हुए वो तो थे नहीं, ये तो मूल रूप से भारतीय जनता। बहुत सारे पार्षद सिंधिया के वहां लड़ रहे थे। नहीं नहीं, वो तो जीते ना, पार्षद तो जीते हैं, वहाँ पार्षद जीते हैं। देखिए ये जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो फिर हमारे यहाँ पर ये नहीं कि ये वहाँ से आए यहाँ से आए, इंदौर में भी जो उनके लोगों को टिकट दिए वो जीते हैं। मैं समझता हूँ कि इसलिए ये कहना कि उनके आने से और वहाँ हर हुई, ये नहीं मानता। कुछ उम्मीदवार का चयन और हमारी संगठनात्मक रचना में कुछ कमी, उस बात को लेकर निश्चित रूप से चिंतन पार्टी कर रही है और करना भी चाहिए। यदि हम जहाँ पर जीते हैं वहाँ भी हम चिंतन कर रहे हैं, हम कम वोट से क्यों जीते। इंदौर में हम 1,32,000 जीते, हम पिछली बार 2.5 लाख से जीते थे, तो हम उस पर भी चिंतन कर रहे हैं। हमारी अगर 2 सीट कम आई हम उस पर भी चिंतन कर रहे हैं पार्षदों में। तो चिंतन तो भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करती रहती है और अपने आप को चाक चौबंद ठीक ठाक करने के लिए संगठनात्मक ओवरराइडिंग करना जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर करती है। लेकिन फिर भी हम नगरपालिका, नगर निगम की कुछ 16 नगर निगम दिखती है, कितनी नगरपालिका, नगर पंचायत हम जीते, पिछली बार से ज़्यादा जीते, हमारे पार्षद ज़्यादा जीते हैं, उस पर कोई बात नहीं करता है। लेकिन वो भी एक फैक्टर है और ये छुटना छोटा चुनाव होता है, व्यक्ति केंद्रित होता है। चलिए डॉक्टर सूरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सूरी, रीवा पिछली बार ये कहा गया, कमलनाथ जी ने भी कहा था कि हम विंध्य के कारण सरकार नहीं बना पाए। अजय सिंह राहुल इस बात पर नाराज भी हुए थे कि विंध्य के सिर पर ठीकरा फोड़ना उचित नहीं, लेकिन उसके बाद से आप अच्छा कर रहे हैं। सतना में बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, हालांकि हार गए सतना में, लेकिन सिंगरौली में जो है वो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और अब रीवा में भी बीजेपी काफ़ी पीछे है, लगभग 7,000 की लीड वहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार की हो गई है। तो किस तरह से आप इसको लेते हैं? क्या विंध्य, महाकौशल, चंबल के बाद विंध्य में भी आप अपने पैर फिर से जमाने लगे हैं और कुछ ठीक करने जा रहे हैं? देखिए ये जो है, 1 साल 1.25 साल पहले प्रतीक जी विधानसभा चुनाव जो होने हैं, उससे पहले ये नगर निगम चुनाव हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सेमीफाइनल माना जा सकता है, ट्रायल माना जा सकता है। आज हम अगर बात करें कि जिस तरह के परिणाम पहले आए और रुझान जो अभी दिख रहे हैं, अगर यही परिणाम में परिवर्तित होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास खोने को था और कांग्रेस के पास पाने को था। पहले हम 16-0 से हारे थे 2014-15 में, जब नगरीय निकाय हुए थे हमारे पास कुछ भी नहीं था। पिछले राउंड में जो हुई हमारे पास 3 नगर निगम में महापौर हमारे बने, 2 जगह बहुत कांटे की लड़ाई रही प्रशासनिक, और हर तरह की अपनी बी टीम का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने बुरहानपुर और उज्जैन जीता, जहां जनता ने जरूर कांग्रेस को चाहा था। अब आप देखिए महाकौशल में छिंदवाड़ा जबलपुर भारतीय जनता पार्टी हार गई, कटनी में पीछे चल रही है। इसके बाद में अगर अपन चंबल की बात करें, मुरैना हार की तरफ जा रहा है, ग्वालियर हार चुकी है। अगर नगर निगमों की बात करें, विंध्य में आपने जिक्र किया कि जो रीवा, जहां पे 2018 में हमें 8 विधानसभा में पराजय का मुंह देखना पड़ा था, रीवा जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों में, वहां पे कमलनाथ जी के कुशल नेतृत्व में और कांग्रेस के संगठन ने जिस तरह से काम किया कि आज 2 राउंड बाद वहां पे महापौर प्रत्याशी 7,000 वोटों से आगे है। अगर मालवा निमाड़ की बात की जाए, कांग्रेस ने इंदौर में बेहतर करने का प्रयास किया, देवास का परिणाम अभी आना बाकी है। तो प्रदेश में शिवराज सिंह जी को नकारा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गुटबाजी सामने उभर के हर जिले में आ रही है, चाहे कटनी हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, कि एक तरफ शिवराज भाजपा चल रही है, एक तरफ सिंधिया भाजपा चल रही है, एक तरफ नाराज भाजपा है और एक तरफ बीमार भाजपा है, चार चार तरह से बड़ी खबर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार प्रीति सूरी, जो भाजपा की बागी उम्मीदवार है, वो 1800 वोटों से आगे चल रही है। कटनी की ब्रेकिंग न्यूज, कटनी से बड़ी खबर, निर्दलीय वहां पर आगे हो गई है लगभग 1800 वोटों से प्रीति सूरी। जी डॉक्टर सूरी, अब
स्थिति क्या 2023 में बनेगी? अभी भी कई जगह जहां कांग्रेस को काम करना है, कहां पे हमारे, हम हर जगह, चाहे पंचायत लीजिए, हमने भारतीय जनता पार्टी से बेहतर परिणाम लाने का काम किया, चाहे नगर परिषद लीजिए, नगर परिषद में जरूर भारतीय जनता पार्टी हमसे आगे है संख्या बल पे, पर पिछले परिणाम के मुकाबले हम डबल से भी आगे बढ़े हैं और भारतीय जनता पार्टी लगभग 30% सीटें अपनी गवाई हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बढ़ोतरी की है और हम इसी को ये मान के अभी खुश नहीं हो जाएंगे कि 2023 में हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम हमारा ये संघर्ष जो जनहितेशी मुद्दों को लेकर हम उठाते आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दमनकारी सरकार के लिए जो कांग्रेस पार्टी एक सशक्त विपक्ष का रूप निभाती आई है, उसको निभाएंगे और 2023 में वापस से कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। आप समझिए भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति हो गई है कि उन्हें अपना आखिरी दाव असदुद्दीन ओवैसी, अपनी बी टीम को मध्य प्रदेश में लाना पड़ा। असदुद्दीन ओवैसी सभा करने आ रहे हैं जबलपुर में, जहां उनके दो पार्षद लड़ रहे हैं। देखिए ये तो राजनीति के हथकंडे हैं। आप भी असदुद्दीन ओवैसी को अपने साथ ला सकते हैं, मिला सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को अपने साथ लाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। वो कैसे, किस तरीके से, किस पार्टी का समर्थन करते हैं, ये आप में सब जानते हैं। सवाल ये नहीं है। राजनीति में तो सभी तक कुछ संतों का मठ थोड़ी है राजनीति। दावपेच तो लगाए जाएंगे और उसकी खुद की पार्टी, वो कहीं भी जाए पूरे देश में कोई स्वतंत्र बसपा जा सकती है, वो जा सकती। गोविंद जी, असदुद्दीन ओवैसी मध्य प्रदेश में अभी प्रासंगिक हैं। एक दो सीट जीत ली, 10-12 सीट जीत ली, खरगोन में खाता खोल गया, बुरहानपुर में 11,000 सीट लिया है, तो कोई बहुत बड़े नेता नहीं हो गए मध्य प्रदेश की दृष्टि से। मैं आप एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपकी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा, उनका गृह जिला है मुरैना, और मुरैना नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की हार को वीडी शर्मा जी के साथ अगर हम जोड़कर देखें तो आपका क्या विश्लेषण है? देखिए, किसी के साथ जोड़कर नहीं देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी कलेक्टिव डिसीजन लेती है। चुनाव समिति में हर उम्मीदवार के गुण दोष के बारे में विचार होता है, किसी एक की मर्जी से कोई निर्णय नहीं होता है। और हमने सर्वे कराए, देखिए प्रतिष्ठा तो पार्टी की प्रतिष्ठा और सबकी प्रतिष्ठा एक जैसी है, लेकिन व्यक्तिवाद हमारे, मैंने कहा ना, हमारे न कोई गुटबाजी न कोई व्यक्तिवादी, सब कांग्रेस में है। हमारे संगठन है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है। हमारे सर्वे कराए, इंटरनल सर्वे भी कराया, हमने वहाँ से फीडबैक भी लिया। उस आधार पर हम निर्णय करते हैं कि हम किसको उम्मीदवार बनाएं। उम्मीदवार हो जाता है वो सबका होता है। सब लोगों ने वहाँ गए, सब लोगों ने मेहनत की। अब पराजय अगर होगी तो उस पर विश्लेषण करेंगे कि कहाँ पर कमी रह गई, हम कौन सी जगह पर कम हैं। आपने अभी कई सारे नगर पंचायत, नगर पालिकाओं के भी परिणाम आ रहे हैं। कहीं हम कहीं किसी वार्ड में अगर हारेंगे तो हम उसका भी विश्लेषण करेंगे, वार्ड तक की इकाई का विश्लेषण, क्योंकि हमारी बूथ की इकाई पर कहाँ कमजोरी है, क्योंकि हमने पन्ना प्रमुख बूथ इकाई, हम इस पर केंद्रित करके काम करते हैं। इंदौर में भी हम अभी समीक्षा कर रहे हैं कि हम कितने बूथ पर हारे हैं, हम उसको फिर वापस एनहेंस करेंगे, उसको परिपुष्ट करेंगे और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमारा फोकस उम्मीदवार के अलावा स्थानीय समीकरण कुछ होते हैं, स्थानीय परिस्थितियां होती है, उसके कारण वहां पर स्थानीयता का ज़्यादा हावी हो जाती है उन सब हमारी कामों के ऊपर। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे नगरी सरकार रही हो, राज्य की सरकार का, केंद्र की, ये ट्रिपल इंजन की सरकार ने विकास के जो काम और आयाम नए रचे हैं, इसके अलावा सामाजिक कल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है, उसका परिणाम है कि हम इतने बम्पर मेजोरिटी के साथ, हम अलग अलग जगह पर हमारे पार्षद भी जीत रहे हैं, हमारे महापौर भी जीते हैं, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष भी, नगर पंचायत है। नहीं, क्या आपको पहले से डेंट तो लगा है? देखिए, नगर पालिका की, नगर निगम की बात करें, नगर निगम की बात करें तो हमने 3 हारी है, 2 हारने जा रहे हो। देखिए, 3 हारे हैं नगर निगम पहले, तो है 4 कांग्रेस से हारे और 4 हारे हैं, लेकिन नगर पालिका, नगर पंचायत में हमने बढ़त बनाए रखी है, हमारे पार्षद, अरे आइए ना, नहीं, बिल्कुल गलत है वो, आपके पास आंकड़े, हमारे पास तो पंचायत बताएंगे आपको, जीते हैं नगर पंचायत, 30% का नुकसान नगर पंचायत पिछली बार से हुआ, आंकड़े सामने हैं सबके सामने। पिछली बार जो पंचायत में हम ज्यादा जीते, पिछली बार से हमारे पार्षद भी ज्यादा जीते हैं, और जहाँ पर पार्षद ज्यादा जीते वहाँ हम बनाएंगे हमारी नगर पंचायत भी, नगर पालिका भी। तो कुल मिलाकर स्थानीय स्तर पर जो, पर ये आपसे जानना चाहूंगा, सॉरी, मैं कटनी के अंदर आप 3rd नंबर पर जा रहे हैं, देवास सज्जन सिंह वर्मा का गढ़ माना जाता है, बड़े नेता सज्जन सिंह वर्मा, कमलनाथ और सज्जन सिंह वर्मा को लगभग सिंगरौली में भी यही हालत, लगभग एक ही माना जाता है, कहा जाता है कि जो सज्जन वर्मा कहते हैं कमलनाथ वही निर्णय लेते हैं। उसके बाद देवास में
कांग्रेस का पीछे होना, कटनी में कांग्रेस का तीसरे नंबर पे जाना, 2023 की तैयारी में कसर है? आप अभी परीक्षा में पास होने लायक हुए नहीं। देखिए, हम पहले से कह रहे हैं कि हम 2015 के परिणामों के आस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, उसमें हमने बेहतर किया है सबके सामने। अब बात कर रहे हैं 2018 में, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में सीटें मिली थी, उसके दृष्टिकोण रखते हुए हमें देवास में उम्मीद है कि हमारे महापौर भी आएंगे और परिषद भी हमारी बनेगी। अभी प्रतीक्षा करना चाहिए कि देवास में क्या होता, पर अगर यही परिणाम रहता है तो निश्चित तौर पर विश्लेषण की बात है। दतिया की सेवड़ा नगर परिषद के नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, वहां पर 15 सीटें हैं, 9 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और बाकी की 3 सीटों पर अन्य यानी निर्दलीय आगे चल रहे हैं, सेवड़ा दतिया जिले की नगर परिषद के रुझान। जी डॉक्टर सोरी, तो निश्चित तौर पर भी देवास की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। और रही बात कटनी की, जब तक पूरा परिणाम नहीं आ जाए, कटनी में अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि कटनी में जो तीनों प्रत्याशियों के बीच में मार्जिन देखा जा रहा है वो बहुत कम है, कहीं 1000 वोटों से आगे है, इधर 500 का अंतर है। जो भी चीजें, थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, अगर चीज आती है। भांडेर दतिया से फिर खबर आई है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद बनती हुई दिखाई दे रही है, 15 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। इटारसी यानी माखन नगर, जो माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर नगर बन गया है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए दिख रही है। नगर परिषद में आपका प्रदर्शन ठीक नहीं हो पा रहा है। नगर परिषद में हमने पिछली बार के मुकाबले हम 2.5 गुना ज्यादा बढ़े हैं। पिछली बार आपके 3 नंबर आए थे, इस बार 6 आ गए, उसी में खुश है क्या विद्यार्थी? पर आप मेरी बात समझिए कि जब यहाँ पे नगरीय निकाय चुनाव कहीं भी किसी प्रदेश में होता है, वहाँ सत्ताधारी दल का एक प्रभाव होता है। आप भी उस चीज को समझ, उस प्रभाव जबलपुर में नहीं हुआ, वो प्रभाव मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि उस प्रभाव को तोड़ते हुए कांग्रेस जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है, तो आप कल्पना कीजिए कि जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को किस तरह से मिल रहा है, जहां सत्ताधारी दल को नगरीय निकाय चुनाव में आधी से ज्यादा नगर निगमों में, नगर परिषदों में उनकी संख्या घट रही है, पंचायत में वो विपक्षी दल से पीछे है। तो अपने आप में एक संकेत स्पष्ट है कि 2023 में क्या होने जा रहा है। देखिए, जहां तक नगर परिषद का सवाल है, नगर निगम में परिषद पार्षदों का सवाल है, तो देवास में भी भारतीय जनता पार्टी के लगभग 30 पार्षद आगे चल रहे हैं, कटनी में भी भारतीय जनता पार्टी के 17 पार्षद आगे चल रहे हैं, मुरैना में भारतीय जनता पार्टी का 1 पार्षद आगे चल रहा है, और रीवा में भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आगे चल रहे हैं, रतलाम में भी भारतीय जनता पार्टी के लगभग 30 पार्षद आगे हो गए। तो पार्षदों में बहुमत जो है वो इन 5 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का आते हुए दिखाई दे रहा है, जैसे जबलपुर में भी आपको बहुमत नहीं मिला, जैसे ग्वालियर में भी आपको पार्षदों में बहुमत नहीं मिला। तो क्या वजह है कि आपका महापौर जीत जाता है लेकिन आपके ज्यादातर पार्षद हार जाते हैं, ज्यादातर वार्डों में आपका विरोध है? देखिए, चाहे ग्वालियर नगर निगम की बात करें, जबलपुर नगर निगम की बात करें, यहाँ पे कांग्रेस का महापौर भी 23 साल बाद आया है, काफी सालों से। ग्वालियर में तो 55 साल बाद आया है। हाँ, बहुत पुराना मानने पर स्थिति, यहाँ पे ग्वालियर में पहली बार जीते हैं। तो अगर इस स्थिति को देखते हुए हम आगे बढ़ें कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का काबिज रहा, शहरों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी रही, उनका संगठन कौशल वहाँ पे हमसे बेहतर रहा, पर पिछले चुनाव का आकलन बहुत जरूरी है कि हम क्या स्थिति में थे और क्या पहुँचे हैं। तो हमने जो हमारी बढ़ोतरी की है, डॉक्टर सूरी, आपके दिल को सुकून और तसल्ली इसी बात से मिलती है कि पिछले चुनाव से आप तुलना करें। नहीं प्रतीक जी, दूसरी बात जो आपने बताई विश्लेषण करके कि जबलपुर में, ग्वालियर में या कटनी में या जहाँ अभी हम ट्रेल रतलाम कर, में रतलाम में तो हम अभी आगे, लेकिन पार्षद ज्यादा। चलिए, मुख्यमंत्री के क्षेत्र से बड़ी खबर है, भले ही मध्य प्रदेश में 2-3 नगर निगम भाजपा हार रही हो, लेकिन बुधरी में 15 में से 13 भाजपा है, शिवराज जी का गढ़ और अन्य है, दो अन्य हैं। तो ये पार्षद ज्यादा जीत रहे हैं, मतलब ये हमारे उम्मीदवार के चयन को कहीं ना कहीं ये संख्या, अगर हमारा उम्मीदवार आप कहना अच्छा चाह रहे हो कि उम्मीदवार महापौर का गलत चयन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, यही कहना चाह रहे हैं। उम्मीदवार अगर हमारा, तो हमारा उम्मीदवार वहां जीतता, हमारा उम्मीदवार वहां जीतता, क्योंकि हम पार्षद ज्यादा जीत रहे हैं। भाजपा का एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, आप नहीं करते हो, यही तो समस्या है कांग्रेस की। भाजपा का एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, कर दिया इसी मंच से कि कहीं ना कहीं हमारे उम्मीदवार, महापौर का उम्मीदवार चयन में, महापौर का उम्मीदवार अच्छा होता तो ये जो पार्षद जीते उस अनुसार हमारा महापौर भी जीतता। ये इसे कहते हैं आत्मविश्लेषण और इसे कहते हैं आत्म स्वीकृति। नहीं, स्वीकृति स्वीकृति तो सामने है ना, परिणाम है ना, दिखाई रहे। उम्मीदवार अच्छा होता तो हमारे पार्षद ज्यादा क्यों जीते? रतलाम में तो लगभग भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद बनना तय हो गई है, वहाँ 30 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के आगे हैं, और रतलाम में महापौर का प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी का आगे है, कटनी में 23 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के आगे हैं, और वहां मुरैना में जरूर कांग्रेस अभी 2 सीटों पे आगे चल रही है। मुरैना की जीत को किस तरह से लेते हैं डॉक्टर सूरी? मुरैना वीडी शर्मा का गृह जिला, मुरैना नरेंद्र सिंह तोमर का
संसदीय क्षेत्र, केंद्रीय मंत्री, कद्दावर नेता, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कई बार अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, बड़े नेता माने जाते हैं। ग्वालियर के बाद मुरैना में उनकी हार कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो देखिए, इसके लिए थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, 2018 में मुरैना जिला कांग्रेस जीती थी, जोरा विधानसभा एक कांग्रेस हारी थी जो 2018 के परिणाम है। उसके बाद में उपचुनाव होते हैं, सिंधिया जी अपने विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में, तब भी मुरैना जिले की अधिकांश सीटें सिर्फ जोरा को छोड़ के कांग्रेस, हाँ कांग्रेस जीतती है। तो मुरैना को लेके सिंधिया जी, भाजपा, नरेंद्र सिंह तोमर सब एक हो गए, फिर भी मुरैना की जनता ने अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ में रखा और यही आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। पूरी तरह से नकार दिया गया, मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी, शिवराज सिंह जी की अलोकप्रियता जनता के बीच में, शिवराज जी की सरकार की अलोकप्रियता, और चंबल संभाग में आप जो परिणाम देखेंगे, चाहे ग्वालियर देख लीजिए, मुरैना देख लीजिए, कांग्रेस और कमलनाथ जी के प्रति जनता का विश्वास दर्शाता है। अर्जुन सिंह के सुपुत्र अजय सिंह राहुल का जो गृह जिला है सीधी, वहां से थोड़ी सी चौंकाने वाली खबर आ रही है। सीधी के चार परिणाम सामने आए हैं और चार में से दो भारतीय जनता पार्टी और दो अन्य, जिसमें से एक आप है, को जा रहा है। तो अजय सिंह राहुल अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा किया था पिछली बार, सिंगरौली में भी काफ़ी अच्छा किया, सतना में भी उनकी ने काफ़ी मेहनत की, रीवा जो है वो कांग्रेस के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उनके खुद के गृह जिले सीधी में अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना दी है। गोविंद मालू जी, अजय सिंह राहुल की राजनीति की अगर हम व्याख्या करें किस तरीके से, क्योंकि रीवा की जो सीट थी उसमें वो बहुत मेहनत से लगे हुए थे और कांग्रेस के जो दूसरे नेता थे वो उनके साथ नहीं थे, क्योंकि कैंडिडेट भी अजय सिंह राहुल की पसंद का था। उसके बावजूद रीवा में बीजेपी पीछे है, कांग्रेस आगे है, तो क्या माना जाए कि अजय सिंह राहुल फिनिक्स पक्षी की तरह जो अपनी राख से फिर पैदा हो रहे हैं? राख तो कांग्रेस ही कर रही है उनको, क्योंकि वो कोई चुनौती ना बन पाए नेता प्रतिपक्ष के। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, और कांग्रेस ने उनको जो एक मुकाम देना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष से हटाया, उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया, रीवा में क्या हालत हुई उसका ठीकरा उन पर फोड़ा, खुद भी हारे वो, तो कुल मिलाकर अब वो कोई भी इतिहास उसको रिपीट नहीं करता है, इतिहास में दर्ज हो गए हैं अर्जुन सिंह और ये बाकी लोग। नई लीडरशिप कांग्रेस में है नहीं, जो पुराने लोग हैं वही चल रहे हैं और वो भी नकार दिए गए। देखिए आप इंदौर के भी चुनाव में हमने देखा कि कमलनाथ जी को एक ब्रेकिंग बेरसिया भोपाल के पास नगर पालिका, वहाँ कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। सूरी जी, बहुत चिंता का विषय है, दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है, दिग्विजय सिंह जी को आगे का लोकसभा चुनाव भी वहीं से भोपाल से लड़ना है। बेरसिया में कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है, भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है, दो सीटें निर्दलियों को मिली है। फौरी टिप्पणी में इस पर चाहूंगा गोविंद मालू जी, पहले आपकी और फिर सूरी जी की। देखिए दिग्विजय सिंह जी को तो पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया, न केवल भोपाल की, और उनके कार्यकर्ताओं ने भी नकार दिया। नहीं तो इंदौर में इतना बड़ा चुनाव लड़ा कांग्रेस बीजेपी का, उसमें दिग्विजय सिंह जी का एक दिन भी उम्मीदवार ने उनको यहाँ बुलाकर सभा करना उचित नहीं समझा। 10 साल जो आदमी मुख्यमंत्री रहा उसको मध्य प्रदेश में किसी ने भी बुलाकर और अपनी सभा कराई या वहाँ कोई बैठक कराई ये संभव नहीं, क्योंकि जानते हैं कि दिग्विजय सिंह आएंगे और हरा के, और जो जितनी हार है उससे भी नीचे जाएंगे, इसलिए दिग्विजय सिंह जी अब आउट ऑफ डेटेड हो गए हैं और वो खुद ही कहते हैं। सूरी साहब, आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए दिग्विजय सिंह का संसदीय क्षेत्र, वहाँ से चुनाव लड़े थे वो, बेरसिया भोपाल लोकसभा का क्षेत्र है, जो परिणाम अगर आए हैं या फिर लीड बता रहे हैं तो उन चीज़ों पे होगा विश्लेषण भी किया जाएगा, चीज़ें भी। पर दिग्विजय सिंह जी के बारे में एक बात स्पष्ट कर दूँ, 2018 में जो दिग्विजय सिंह जी की नर्मदा परिक्रमा थी और जो उनका संगठन कौशल था उसके दम पे कांग्रेस सरकार बनाने में आ पाई थी, और जितना डर भारतीय जनता पार्टी को दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी से उतना किसी से इनको डर नहीं है। दिन भर 24 घंटे कहा जाता है कांग्रेस विलुप्त हो रही है, कांग्रेस खत्म हो रही है, दिग्विजय सिंह खराब है, कमलनाथ खराब है। 24 घंटे में जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं कि छिंदवाड़ा जिले की चोरई नगर परिषद चुनाव पर भारतीय नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का गढ़ है, चोरई से लगातार कांग्रेस के विधायक चुनाव जीतते रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 15 में से 9 सीटें जीतनी है, 6 सीटें कांग्रेस को मिली है और चोरई में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। चोरई नगर पालिका परिषद में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी की चुनौती,
छिंदवाड़ा जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त की बात करती है, छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने भाजपा चोरी पे बताइए, हाँ मैं बात मैं उसी पे आ रहा हूँ, भाजपा मुक्त कर दिया और चोरी का जो परिणाम आया है, अगर एक नगर परिषद में बीजेपी कब्जा किया किन कारणों से किया और कांग्रेस क्यों पीछे रह गई, क्योंकि आज वहां पे सांसद विधायक महापौर और हर सरपंच तक का व्यक्ति कांग्रेस का है, और अगर चोरई में हार हुई है तो निश्चित तौर पे देखा जाएगा कारण क्या रहे हैं, क्या चीज रही है, बहुत जमीन पे जाके काम कर रहे हैं कमलनाथ जी, एक एक चीज को जो प्रश्न किया कि दिग्विजय सिंह जी अक्सर इंदौर आते रहते हैं, इंदौर में उनके बड़े भारी समर्थक हैं, चाहे वो शेख हलीम हो चाहे वो गोपाल यादव हो, तमाम लोग उनके समर्थक हैं, लेकिन पूरे चुनाव में दिग्विजय सिंह नहीं आए, ना बुलाया गया उनको, ना एक उनकी कोई सभा हुई, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक बस्तियों में भी सभा नहीं हुई, आप तो अल्पसंख्यक नेता भी हैं, क्यों क्यों इस बार दिग्विजय सिंह को इंदौर, ये मुद्दे की बात है गोविंद माधव जी। देखिए नगर निगम चुनाव को अगर हम इंदौर का देखें और पूरे प्रदेश में देखें तो दिग्विजय सिंह जी भोपाल के अलावा कहीं भी नहीं गए, कहीं भी नहीं गए या उन्हें बुलाया नहीं, कहीं भी नहीं गए, भोपाल बुलाया नहीं गए, भोपाल में ही सेंट्रिक रहे दिग्विजय सिंह जी, और कांग्रेस पार्टी की अपनी कोई रणनीतियां रही, कमलनाथ जी भी सिर्फ आप देखेंगे तो उनके कार्य जब नामांकन के समय आए उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने कांग्रेस पार्टी के संगठन ने चुनाव लड़ा और हर जगह यही रहा, कमलनाथ जी एक एक बार सब जगह गए, वहां पे लोकल संगठन लोकल विधायकों ने मिलकर चुनाव, संजय शुक्ला तो कांग्रेस संगठन से बहुत नाराज है, उनकी परसों तो उनकी जीतू पटवारी से भोपाल के अंदर राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बहुत गर्म हार्ट टॉक हुई है, बहुत जबरदस्त विवाद हुआ है उनका, संगठन ने बहुत अच्छे से काम किया, संजय शुक्ला जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, परिणाम जरूर हमारी आशा के अनुरूप नहीं आ पाए, उसका भी विश्लेषण होगा, उसके बीच में चर्चा होगी और कहीं ना कहीं नाराजगी हो सकती है कि क्यों परिणाम वैसे नहीं आए, किसकी कमी रह गई, किसके कार्य प्रणाली में कहीं कमी रह गई, जो परिणाम हम अपेक्षित थे कि इंदौर में 94 के बाद में हम हमारा महापौर देने जा रहे थे पर जनता ने हमें स्वीकार नहीं किया, हम अगली बार फिर वापस ताकत से लड़ेंगे और जनहितैषी मुद्दों को उठाते रहेंगे। प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने तो पहले ही विधायकों को भी हिदायत दे दी थी कि आपको चुनाव नहीं जीतेंगे तो हम आपके बारे में विचार करेंगे, कांग्रेस ने क्या, कांग्रेस से तो विधायक ही चुनाव हार गए, तीन विधायक चुनाव हार गए, तो यानी इसका कहने का मतलब है महेंद्र धाड़िया जी का टिकट कटेगा, महेंद्र धाड़िया जहां 5 नंबर में कांग्रेस जीती है, गोविंद मालू जी ये कह रहे हैं आप विचार करेंगे महेंद्र धाड़िया जी के टिकट पे, नहीं आप महेंद्र धाड़िया जी पे विचार करें, मैं गोविंद मालू जी से पूछना चाह रहा हूँ, नहीं मैं गोविंद मालू जी ने जो बात कही मैं वो बिल्कुल बिल्कुल गोविंद मालू जी इस बात की पुष्टि आज करते हैं कि संगठन ने ये कहा था कि जो विधायक क्या हारेंगे उनके में विचार किया जाएगा, महेंद्र धाड़िया का टिकट कटेगा ये तय बात है गोविंद जी, देखिए सूरी साहब ठीक कह रहे हैं, प्रतीक जी एक बात सुनिए, ऐसे टिकट नहीं कटता है वो 5,000, मैं आपकी बात पे कह रहा हूँ कि आपने फिर संगठन ने क्या हिदायत दी थी, फिर संगठन ने क्या हिदायत, संगठन की हिदायत का क्या मामला रह गया, बावजूद संगठन की हिदायत कहाँ रह गई, फिर परिणाम पर विश्लेषण करेंगे, विचार करना जिसकी आपने खुद अपने मुंह से अभी कहा कि विचार करेंगे, ऐसा थोड़ी उनकी जिम्मेदारी, मतलब उन्होंने मेहनत की उसके बावजूद यदि कोई किसी ने गड़बड़ की तो उसकी जिम्मेदारी, अगर मान लो निश्चित तौर पर ग्वालियर से सिंधिया जी की राज्यसभा भी खतरे में होगी आने वाले समय में, ग्वालियर में महापौर हारे, मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर पे क्या कार्रवाई करेगा आपका संगठन, जबलपुर में अजय बिश्नोई हर बार उठाते रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ जाते रहे, क्या करेंगे आप रीवा में आपके बड़े बड़े नेता विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला आते हैं, देखिए लाभ हम तो ये कह रहे हैं लाभ आने पर उस पर विचार करेगा कि यहाँ पर क्या कारण रहे, कारण की मीमांसा करेंगे, आपके मुंह से कही गई बात को कहा था ना, इसकी ताकत से कार्रवाई करेंगे, आप क्या जवाब दे कर, क्या जीतू पटवारी का टिकट कटेगा, कुछ भी नहीं कह रहे, मैंने तो कुछ अपने मुंह से नहीं कहा, क्षेत्र में विश्लेषण की बात कर रहे, मैं तो ये संगठन की रचना की बात कर रहे हैं, मैं संगठन की रचना की बात कर रहा हूं, विश्लेषण की बात कर, मैंने क्या बोला, आपके उम्मीदवार वापस वही आएंगे गोविंद जी जिनके हार हो गई, उनके संगठन में तो कोई बोलते ही नहीं, आपके संगठन ने चेतावनी दी थी, धमकी दी थी विधायकों को कि अगर प्रतिकूल परिणाम हो तो वो सावधान रहे, सोच के बैठे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, बिल्कुल, तो उसी संदर्भ में सूरी का सवाल है कि क्या महेंद्र धाड़िया का टिकट नहीं, देखिए ये तो पार्टी तय करेगी, आप 5 नंबर से आप भी दावेदार हैं, ये देखिए वो मैंने क्या कहा कि वो केवल 5,000 का अंतर रहा, केवल 5, मेरी बात 5,000 केवल, अरे पर वो किस कारण रहा उस पर मीमांसा करेगी, किसी भी कारण मान लो उनकी मेहनत अच्छी है, ऐसा नहीं कि टिकट कट जाएगा, उनकी मेहनत अगर अच्छी है और कोई दूसरे कारण रहे उस पर भी भाई, और संगठन के बाकी लोग भी थे,
किसकी जिम्मेदारी तय होगी? ये पार्टी ने, लेकिन पार्टी ने उनको ताकत लगाने के लिए रतलाम में जिम्मेदारी तय की। रतलाम में बीजेपी 30 सीटों पर आगे हो गई है, कांग्रेस केवल 16 सीटों पर आगे चल रही है, अन्य 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं। रतलाम के महापौर प्रहलाद पटेल भी, महापौर पद के जो प्रत्याशी हैं प्रहलाद पटेल, वो भी आगे चल रहे हैं। और मयंक जाट काफी अच्छा चुनाव लड़ने के बावजूद, काफी खर्चीला और महंगा चुनाव लड़ने के बावजूद पीछे चल रहे हैं। देवास में भी यही स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी काफी कंफर्टेबल स्थिति में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी देवास में काफी बड़ी संख्या में आगे चल रहे हैं और देवास की महापौर पद की प्रत्याशी है वो भी आगे चल रही है। लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा झटका मुरैना साबित हो रहा है, जहां से नरेंद्र सिंह तोमर सांसद है, वहां भारतीय जनता पार्टी फिलहाल पीछे दिखाई दे रही है। बीडी शर्मा का गृह जिला है मुरैना, और वहां से भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के क्षत्रपों के लिए चिंतन का विषय उपलब्ध कराएगी। रीवा का जहां तक सवाल है, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला का इलाका माना जाता है, बड़ा भारी ब्राह्मण वोट बैंक वहाँ रीवा में है, उसके बावजूद जो है केदारनाथ शुक्ला वहाँ के विधायक हैं, बड़े वरिष्ठ विधायक हैं। रीवा उस इलाके से भी भारतीय जनता पार्टी का पीछा होना चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी की महापौर पद की प्रत्याशी वह लगभग 7,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं रीवा के अंदर। कटनी में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है, और उन कटनी में उनका जो मुकाबला चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो मुकाबला चल रहा है निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी से। यानी कटनी में जो मुकाबला है वो भाजपा वर्सेस निर्दलीय है, और निर्दलीय भी वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर आई हैं। तो फिर भी कांग्रेस के लिए गेन करने वाली बात है, पिछली बार 2014-15 में 0, इस बार कम से कम 5 और 6 सीटों पर वो आगे जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपने तो अपना खाता खोल ही लिया है सिंगरौली में से। तो नागौद नगर परिषद जो है रीवा जिले में, जो नागौद नगर परिषद आती है, वहाँ पर अभी कांग्रेस को 2 सीटें मिल गई हैं, और भाजपा को अभी अपना खाता खोलना है। कटनी में भाजपा 23 स्थानों पर आगे चल रही है, और मुरैना में बीजेपी केवल 1 स्थान पर आगे चल रही है, कांग्रेस केवल 2 स्थान पर आगे चल रही है। रीवा में बीजेपी 7 स्थानों पर आगे चल रही है, कांग्रेस केवल 1 स्थान पर आगे चल रही है। हालांकि रीवा में महापौर पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो एक बड़ा मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चल रहा है। 214 नगर निकायों के परिणाम हम आपको बता रहे हैं। मतगणना का दूसरा दौर जारी है मध्य प्रदेश में। पहला दौर 17 जुलाई को हो गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहा था, लेकिन जो 2-3 डेंट मारे थे, और मुझे फिर अमर अकबर एंथोनी उर्फ अमिताभ बच्चन का डायलॉग आता है कि मैंने भले ही 2 बॉक्स मारे, 2 पंच मारे, मगर जोरदार पंच मारे थे कांग्रेस ने। जबलपुर छीन लिया था, ग्वालियर छीन लिया था, छिंदवाड़ा छीन लिया था। सूरी जी, अमर अकबर एंथोनी फिल्म आपने भी देखी होगी, अमिताभ बच्चन ने कहा था कि भिड़ो अपन भी अच्छा लड़ा, क्या वही कांग्रेस की भावना है? भावना है सबसे पहली बात कि चुनाव तो लड़ना और अच्छे से लड़ना है। कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ी, भारतीय जनता, आज देवास की बात करें हम, रतलाम की बात करें, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी का कई सालों से विधानसभा में कब्जा चला आ रहा है। रतलाम भारतीय जनता पार्टी जीती है, ये पिछला चुनाव 58,000 वोटों से जीता। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का महापौर प्रत्याशी अभी 3 राउंड बाद सिर्फ 1500 वोटों से आगे, वहाँ भी चुनाव बका। और हमारी आशा है कि हमने जो युवा व्यक्ति को टिकट दिया है, जो हमारा यूथ कांग्रेस का जिला छवि को लेकर सवाल था, जिला अध्यक्ष है हमारे यूथ कांग्रेस का वहाँ का, रतलाम का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, 58,000 से जो विधानसभा हार रहे हैं, वहाँ कांटे का मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी के 6-6, 8-8 मंत्री मतदान से एक दिन पहले जिस जिले में डेरा डाल के बैठे, तो आप जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 8 मंत्री वीडियो वायरल हुए जगदीश देवड़ा के वहाँ पे मौजूदगी के, आपको किसने रोका था? आपके पास 8 पूर्व मंत्री थे, भेज देते उनको, अलाउड नहीं होता ना सब। 11 तारीख के बाद में आचार संहिता लागू होती है, ये सिर्फ प्रशासन के दबाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके मंत्री कर सकते हैं, क्योंकि ये शासन प्रशासन में 30 बीजेपी के पार्षद ना, एक में मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, ये इनके लिए हमारा व्यक्ति थोड़ी जा सकता है। जब एक बार आचार संहिता लग गई, आपका प्रचार बंद हो गया, ये इनके नेता मौजूद हो सकते हैं, शासन इन पे कोई कार्रवाई नहीं करता। नहीं, ये सब आपने सिखाया है? नहीं, हमने क्या सिखाया? वो विधि के विशेषज्ञ खड़े कर रहे थे, क्या हुआ? 8-8 मंत्री आपके प्रमाण से, पर मेरा मुद्दा इस चीज में कहीं गायब नहीं हो जाए। जो 58,000 से जीती हुई विधानसभा है, वहां 1503 राउंड बाद कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लगी, और रतलाम हम जीतेंगे महापौर चुनाव। दूसरी बात देवास की करते, देवास में पवार परिवार
बीजेपी से जुड़ा रहा, विधायक वहां पे आते रहे, आज वहां हम संघर्ष की स्थिति में ला दिया हमने नगर निगम चुनाव में। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जनता का मैंडेट शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ और बुधनी नगर परिषद दोनों पर भारतीय जनता पार्टी, ये शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मैंडेट है, इनकी सरकार के खिलाफ मैंडेट है, और हम हमें और ताकत और ऊर्जा भरेगा, और हम अगली बार रतलाम शहर विधानसभा भी जीतेंगे और देवास शहर विधानसभा भी जीत के बताएंगे। देवास में जो आ रहा है आपके यहाँ टेली, 25 बीजेपी के और 5 कांग्रेस लीड है, अभी खुश हो रहे हैं? नहीं, हम खुश नहीं हो रहे हैं। हम तो जहाँ कमजोर हैं, जहाँ मजबूत हो रहे हैं, जहाँ हमारी ताकत बढ़ रही है, आप कमजोर हो रहे हैं, आप कमजोरी आपकी दिख रही है, जहाँ पे आपके 58,000 की लीड थी वो आज 1500 की लीड पे आके टिक गई, आप खुश होइए, आप इस जीत में भी खुश होइए 1500 की, अच्छा है हमारे लिए, हम 2023 में रतलाम धराशायी कर देंगे। ये मैंने आपसे क्या कहा, महापौर के परिणाम और नगर पालिका के पार्षदों के परिणाम, यदि इसमें वेरिएशन है तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को बुधनी, देखिए कितनी बुरी स्थिति है, बुधनी, नसरुल्लागंज और रहटी, इन तीन विधानसभा, इन तीन नगर परिषदों के 45 वार्डों में से सिर्फ 2 वार्ड में कांग्रेस है, ये नहीं चिंतन करेंगे? ये बिल्कुल चिंतन का विषय है, पर अगर वहां पे हम पुराने आंकड़े भी देखें और किस स्थिति में क्या परिणाम आ रहे हैं, हम किस वार्ड में कितने वोटों से आ रहे हैं, निर्दलीय ज्यादा जीत रहे हैं, पूरी विश्लेषण होगा, पूरी नसरुल्लागंज, बुधनी और रहटी, ये शिवराज जी का बेल्ट है, सिंगरौली में तीसरे नंबर पर कांग्रेस, आप अरुण यादव को भेजकर भी वहां उस बेल्ट को तोड़ नहीं पाए, इस बार तोड़ेंगे, फिर वापस कोशिश करेंगे, बुधनी विधानसभा जीतेंगे, अभी तो 45 में से 2 वार्ड, अभी चीजें आने दीजिए शाम तक सामने, और बेहतर आएंगी कांग्रेस के लिए, हम बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बदतर से बदतर कर रही है। एक चिंता का विषय ये है गोविंद जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि नहीं, लेकिन मैं बहुत चिंता में हूँ कि संजय पाठक, जो पहले कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से बीजेपी में आए, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर बीजेपी में आ गए, बड़े बाहुबली हैं, धनबल से बहुत संपन्न हैं, बहुत बड़े माइंस के ठेकेदार हैं, उनके पिताजी भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, खाद मंत्री रहे संजय पाठक, उनकी माँ कटनी नगर निगम की महापौर रही निर्मला जी पाठक, वहाँ पर बीजेपी का उम्मीदवार जो है वो ट्रेल कर रहा है एक निर्दलीय के सामने, क्या ये बगावत संजय पाठक के खिलाफ है, क्योंकि वो बागी प्रत्याशी है बीजेपी? देखिए प्रतीक जी, संजय पाठक जी जब कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए उसके बाद में कहीं नहीं गए, पहली बात। दूसरी बात, वो भारतीय जनता पार्टी के उस कैडर में रच बस गए हैं, और चूंकि वो स्थानीय हैं इसलिए वो उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी चुनाव कैंपेन में भी, और पार्टी का उम्मीदवार तो पार्टी का तय करा हुआ था, उसमें कोई किसी व्यक्ति विशेष का नहीं था, और जब चुनाव परिणाम आएंगे तो जिम्मेदारी भी तय करती ही है संगठन, पहले ही कह चुकी है, फिर करेगी जिम्मेदारी तय, लेकिन परिणाम पूरे आने दीजिए, अभी बहुत कम मार्जिनल ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन बागी भी आपका ही है, बागी हाँ, निश्चित भी बागी आपकी है, निश्चित ही बागी हमारा है, और वो बगावत रोली में भी हमारा है, वो भाजपा की के खिलाफ बगावत नहीं है, वो संजय पाठक के खिलाफ बगावत। देखिए ये आप लोगों का आकलन हो सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ यदि कोई लड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहा है वो, इसलिए संजय पाठक के खिलाफ व्यक्तिगत बगावत इसको नहीं मान सकते, ये तो जब परिणाम आएंगे तब आखिरी में जब टैली आएगी तब हम आपको बताएंगे कि कटनी हम जीत गए हैं, और जितने भी विघ्न संतोषी लोगों का जो वहाँ पर जो पार्टी के संगठन के अनुशासन को नहीं मानते उनका हशर क्या हुआ। सूर्य जी, एक बार फिर से हम चलते हैं रीवा की तरफ। रीवा एक ज़माने में कांग्रेस का गढ़ था, श्रीनिवास तिवारी, अर्जुन सिंह, दो बड़े कद्दावर नेता वहाँ हुए, और राजा मारतंड सिंह सांसद रहे, शिवमोहन सिंह रहे, ये तमाम बड़े नेता थे वहाँ पर, चाहे वो ठाकुरों के बड़े नेता हों, चाहे वो ब्राह्मणों के बड़े नेता हों, सब कांग्रेस में थे। लेकिन विंध्य का कांग्रेस के हाथ से खिसकना और उसकी वजह से सरकार नहीं बन पाना, और अब आपका रीवा में थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन करना या सिंगरौली में भारतीय जनता पार्टी का हारना, आप तो वहाँ तीसरे नंबर पर सिंगरौली में, लेकिन हारी भारतीय जनता पार्टी, क्या 2023 में कुछ संभावनाएँ पैदा हो रही हैं आपके लिए? देखिए, जब 2013-2008 दोनों में हम सरकार नहीं बना पाए थे, 2008 में भी 2013 तब भी हम विंध्य में हमने भारतीय जनता पार्टी से बहुत बेहतर परिणाम लाए थे, हम नंबर 1 पार्टी थे विंध्य की और भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पार्टी थी प्रदेश में सत्ता आने के बावजूद। 2018 में शायद टिकटों को लेके कुछ वितरण में गलतियां रहीं, या विंध्य की जनता ने किस कारण कांग्रेस पार्टी को वहाँ चुना नहीं, उसका विश्लेषण हुआ, उस पर काम हुआ,
कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के पास में वापस गई, जनता के बीच में गई और आज परिणाम हमको दिख रहे हैं। आपके सामने अभी अजय सिंह राहुल जी की बात हो रही थी, रेगांव विधानसभा उपचुनाव सबके सामने सत्ताधारी दल होते हुए सब कुछ लगाने के बाद कांग्रेस पार्टी को रेगांव में चुना गया। गोविंद मालू जी लीडरशिप की बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी लीडरशिप पैदा नहीं कर पाई, आज AICC के सेक्रेटरी बने हैं चित्रकूट के विधायक नीलांशु चतुर्वेदी, वो विंध से आते हैं, सतना जिले की चित्रकूट विधानसभा से विधायक हैं। तो आरोप लगाना बहुत आसान है और परिणाम सबके सामने, रीवा हमारे लिए विंध में सबसे टफेस्ट जिला है अगर कांग्रेस के दृष्टिकोण से और सच्चाईपूर्ण बात करें। सीधी सतना और सिंगरौली कांग्रेस नंबर वन है और कांग्रेस सबसे, रीवा हमारे लिए सबसे कमजोर है और हमारे कार्यकर्ता और जनता के आशीर्वाद का परिणाम आज रीवा का भी हमारे सामने। और जो कांग्रेस में स्फूर्ति फूकने के लिए और उन आठों विधानसभा जो हम 2018 में रीवा जिले की हारे थे उनको वापस फतेह करने के लिए बहुत योगदान होने वाला है ये महापौर चुनाव की जो विजय कांग्रेस रीवा में लेने जा रही है। गोविंद जी, जबलपुर की हार को लेकर ये कहा जा रहा है, जबलपुर से हमारे पास रिपोर्ट्स है और बीजेपी में बड़े नेता ये मान रहे हैं कि जबलपुर की हार जो है वो इसलिए हुई कि नॉन पॉलिटिकल उम्मीदवार था वहाँ डॉक्टर जामदार, उनका भाजपा के कार्यकर्ताओं से कोई तारतम्य नहीं था, कोई संपर्क नहीं था, कोई परिचय नहीं था और एक आपने नॉन पॉलिटिकल उम्मीदवार खड़ा किया प्रयोग के बतौर और जबलपुर सीट हार गए। ये और ये ऐसा नहीं कि मैं आज आपको चेता रहा हूँ, ये अजय बिश्नोई, हरजीत सिंह बब्बू, अशोक रोहाणी ये सब इस बारे में चेता चुके थे कि ये डॉक्टर जामदार नहीं जीत पाएंगे, उसके बावजूद पार्टी ने जीत करके उनको टिकट दिया। प्रतीक जी, जोखिम लेने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी में हमेशा रही है, नए प्रयोग करने की भी क्षमता रही है, नए लोगों को पार्टी का चेहरा बनाने की भी क्षमता रही है और बनाया भी है, कई जगह पर सफल भी रहे हैं। हो सकता है कोई दाव उल्टा पड़ जाए, हर पासे सीधे पड़े जरूरी नहीं है। हमने नॉन पॉलिटिकल उम्मीदवार को इंदौर में भी टिकट दिया, जबलपुर में भी दिया, इंदौर वाला हमारा 1,33,000 से अच्छे वोटों से जीते, हमारे पार्षद भी जीते। देखिए ये कभी कभी निर्णय लेने में, मैंने कहा ना आपसे इस पर भी समीक्षा होगी कि निर्णय लेने में त्रुटि कहाँ पर हुई, हमारे आकलन में भूल कहाँ पर हुई, चाहे वहाँ के परिणाम हो या अन्य जगह का, पार्षदों तक के परिणामों के बारे में भी चिंतन मनन किया जाएगा कि वहाँ पर हम क्यों हारे, हम पर या हम बहुत कम मार्जिन से कहाँ क्यों जीते। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की खूबसूरती है कि वो हर बात पर चिंतन मनन करती है, जीत में भी हार में भी, और हमारे आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वो इसी पर कायम है कि हम हर बात की समीक्षा करते हैं और हर बात की समीक्षा करने के बाद कटनी से बड़ी खबर आ रही है, वो लगभग 2500 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी आ गए हुए, धीरे धीरे लगातार शनि शनि उनकी लीड बढ़ती जा रही है और बेरसिया में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है, बुधनी, नसरुल्लागंज, रेहटी, बेरसिया सभी जगह इस बेल्ट में जिसको हम मध्य भारत कहते हैं, पुराना मध्य भारत कहते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है, अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी के आसपास की तीनों नगर पालिका परिषदों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है, बुधनी में तो कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, नसरुल्लागंज और रेहटी बुधनी तीनों को मिला के अगर 45 सीटों का मैं आकलन करूं तो सिर्फ 2 सीट कांग्रेस के खाते में गई है, यानी कांग्रेस वहां कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सूरी साहब, एक बड़ी खबर ये है कि ओवैसी की और आपकी दोनों पार्टियों की अब मध्य प्रदेश में आवक हो चुकी है। देखिए 10,000 से 11,000 वोट बुरहानपुर में लिए, बुरहानपुर में 1-2 पार्षद भी ओवैसी के जीते, इंदौर में भी उन्होंने 2-3 पार्षद खड़े किए, खरगोन में उनका एक पार्षद जीत गया है ओबीसी का, सीधी में आपका एक पार्षद जीत गया है, सीधी ने सिंगरौली की सीट जीत ली है, तो आप और ओबीसी की पार्टी MIU ये जब इंदो मध्य प्रदेश में आएंगी तो ये आपके वोट बैंक को खाएंगी, आपके प्रभाव क्षेत्र को खाएंगी, उसके लिए आपके पास क्या योजना है? देखिए निश्चित तौर पर मैं आप पहले भी इस चर्चा में इस बात को छेड़ा था कि असदुद्दीन ओवैसी का मध्य प्रदेश आना, यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरकश के आखिरी तीर का इस्तेमाल किया है। मैंने पहले भी कहा था कि 2 पार्षदों के लिए वो आए, उनकी पार्टी है, चुनाव लड़ने का सबको भारत में अधिकार है, लड़ें। पर उन्होंने प्रूव कर दिया आते से ही, जो बुरहानपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, स्पष्ट हो गया उन्होंने कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मार दिया, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने जिस समाज के जिस बात की वो पैरवी करते हैं उस जाति वर्ग से कांग्रेस ने वहाँ महापौर प्रत्याशी दिया,
असदुद्दीन ओवैसी ने वहाँ प्रत्याशी खड़ा किया और कांग्रेस का प्रत्याशी 348 वोटों से वहाँ हारा। तो कहीं ना कहीं जो लग रहा था, सबको मालूम था, वो मध्य प्रदेश में एक्सपोज हो गए। असदुद्दीन ओवैसी का चैप्टर शुरू होने से पहले मध्य प्रदेश में खत्म हो गया, जहाँ 11,000 वोट लिए मिले ना, तो पर किसके किसके लिए हराया, किसको हराया, किसको हराया, तो जनता देख रही है, जनता समझ रही है। मैं एक मिनट, जनता नहीं, मुस्लिम, हाँ जनता, वो भी जनता का एक एक है, मुसलमान जनता में नहीं आता है क्या? हिंदू वोट बैंक को तो ओवैसी को मतलब ही नहीं, नहीं तो मैंने वही तो कहना चाह रहा था, समझती थी वो नाराज हो गया। आप देखिए कि जिस समाज से उनको वोट मिलता है और जिस समाज की वो पैरवी करते हैं, मैंने स्पष्ट कह दिया, उस समाज के कैंडिडेट को हराने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कहने पर वोट काटे, 348 वोटों से वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट। अरे भारतीय जनता पार्टी को तो वैसे ही आप लोग सांप्रदायिक कहते हैं और उसको हम ओवैसी तो हम अच्छा एक बात बता दीजिए, आप इतना विरोध करते हैं पूरे देश में, अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी पे आज तक एक ईडी नहीं, एक जांच नहीं, उन तो सबसे ज्यादा मोदी साहब पे हमला वो करते हैं जिनको दिखाया जाता है, उन पर जाते हैं छोटे से छोटे कार्यकर्ता, क्या ईडी भेजने का काम अमित शाह नरेंद्र मोदी जी करते हैं? आज तक अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी पे एक जांच क्यों नहीं की? अगर आपकी बी टीम नहीं है तो नहीं गलती होगी क्या? असदुद्दीन ओवैसी भाजपा तो ये कह रही है कि हम बदले की राजनीति नहीं कर रहे, छोड़ रखा है, स्पष्ट है कि जिन्होंने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को जिनकी नीति और नीति से बदला और सीबीआई और ईडी और जांच एजेंसियों के करते हैं वो, उन्होंने वहाँ उनको पूरा संरक्षण दे रखा है, मध्य प्रदेश में लाके एंट्री दी जा रही है कि आप अपना भाषण दीजिए कि किसी तरह से चुनावों में, अरे कांग्रेस के आज से पहले का वोट बैंक गड़ रहा है, उनको परमिशन दे रहे हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी? असदुद्दीन ओवैसी एक्सपोज हो गए हैं, समझ गया है? असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से जिस समाज की वो राजनीति करते हैं उसके शोषण कितना किया, एक्सपोज हो गए। देखिए देखिए मालू जी, आप ये जो सेकंड राउंड की मतगणना है नगर निगम के संदर्भ में, नगर निगम के मध्य, ये थोड़ा सा आपको निराश करने वाली है। केवल दो सीटों पर आप आगे चल रहे हैं देवास और रतलाम में, और तीन सीटों पर आप पीछे चल रहे हैं, कटनी, मुरैना और रीवा। निराशाजनक तो है भाजपा के लिए। देखिए प्रतीक जी, अभी तो मैंने कहा ना, अभी तो ये बहुत मार्जिनल, अगर ऊपर नीचे है तो अभी मार्जिनल सिर्फ रतलाम में है, जब 1200 शाम तक परिणाम, शाम तक परिणाम, अगर 10,000 की लीड मुरैना में मार्जिनल है तो 1200 की लीड रतलाम में क्या है? हम पांचों सीटें, चलिए दिग्विजय सिंह जी के लिए एक अच्छी खबर है। दिग्विजय सिंह जी की राघौड़ से जो लगा हुआ उनकी विधानसभा क्षेत्र का जो हिस्सा है आरोन, वहाँ 15 में से 12 सीट पर कांग्रेस है, 3 सीटों पर बीजेपी है, और जो महेंद्र सिंह सिसोदिया हैं मंत्री, पंचायत मंत्री गुना के, जो लगातार चाचौड़ा में मेहनत कर रहे हैं, जिनके दादाजी चाचौड़ा के पूर्व विधायक रह चुके हैं और जो राघौड़ में मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए निराशाजनक खबर है कि आरोन के नतीजे, उनकी विधानसभा का हिस्सा है, बामोरी का हिस्सा है आरोन, नगर परिषद आरोन, जहाँ तक मुझे, मैं समझता हूँ राघौड़ का हिस्सा है। अच्छा, तो ये लक्ष्मीनारायण जी वकील साहब वहाँ पे चुनाव संचालक होते हैं थे, मतलब दिग्विजय सिंह जी के लिए, दिग्विजय सिंह जी राघौड़ से चुनाव लड़ते थे, तब लक्ष्मीनारायण जी श्रीवास्तव वकील साहब वहाँ से चुनाव संचालक हुआ करते थे। तो ये निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी की अच्छी खबर है। कल नरोत्तम मिश्रा ने कहा था दिग्गी तले अंधेरा, राजगढ़ के संदर्भ में बोला था उन्होंने, जहाँ 3 सीटें आई थी, लेकिन अब दिग्गी यानी जयवर्धन सिंह ने अपनी विधानसभा से लगी हुई सीट पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये एक खबर दिग्विजय सिंह जी के लिए अच्छी, हालांकि बेरसिया वो हार गए हैं, लेकिन आरोन उन्होंने जीत ली है। और भी राजगढ़ जिले की बहुत सारी सीटें आना बाकी हैं, पचोर वहाँ से आना है, सारंगपुर वहाँ से आना है, नरसिंहगढ़ आना है, तो मालूम पड़ेगा कि राजगढ़ जिले में क्या स्थिति रह रही है कांग्रेस की। लेकिन गोविंद मालू जी, ये आप पता नहीं क्यों इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि इस बार नगर निगम में आपका प्रदर्शन 2016 के मुकाबले बहुत कमजोर रहा है। प्रतीक जी, केवल नगर निगम की बात नहीं करें, हम तो पूरे नगरी निकाय की बात करें, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये जो दिख रहा है रीवा में पार्षदों में भी कांग्रेस बेहतर कर रही है, मुरैना में भी पार्षद संख्या में कांग्रेस बेहतर कर रही है। हमने पार्षद न तो जबलपुर में खोए न ग्वालियर में खोए, हम बहुमत में है अभी भी। आप जहाँ के परिणाम देख रहे हैं, जहाँ ट्रेल हो रहे हैं हम अभी 2-4 राउंड में, वहाँ भी हमारे पार्षद ज़्यादा हैं। तो देखिए ये इसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि कई एक फेस कोई महापौर का चुनाव हार गए तो हमको घाटा हो गया। हमारा जो वहाँ पर मत प्रतिशत है, जो हमारे समर्थन है, वो बरकरार है। महापौर की बात अलग है। रीवा और मुरैना में महापौर कांग्रेस में मामूली सा अंतर है। रीवा में तो 7-7 दोनों हैं, मुरैना में जरूर बीजेपी 10 और कांग्रेस 7 है। तो ये अभी पूरे परिणाम शाम तक आने दीजिए,
फिर हम इस पर निश्चय ही 8000 की लीड हो गई है रीवा में। रीवा में 8000 की लीड कांग्रेस की हो गई है। अजय मिश्रा जो हैं वो 8000 से आगे चल रहे हैं रीवा के अंदर। और मुरैना में जो हैं वो देखने वाली बात होगी कि वहाँ क्या होता है। मुरैना बहुत ही हॉट सीट है, वीडी शर्मा जी का गृह जिला है, नरेंद्र सिंह तोमर की संसदीय क्षेत्र है। तो मुरैना जरूर निश्चित रूप से बीजेपी के लिए भी एक रुचि का विषय है और कांग्रेस के लिए भी रुचि का विषय है। रतलाम की अगर हम बात करें तो रतलाम में चेतन कश्यप वर्सेस ऑल बीजेपी थी। हिम्मत कोठारी नाराज थे, दूसरे सारे बड़े नेता नाराज थे, नगर अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं वो नाराज थे। और ऐसा लग रहा था कि पूरा चुनाव चेतन कश्यप का उम्मीदवार था, चूंकि प्रहलाद पटेल, तो चेतन कश्यप वर्सेस कांग्रेस। ये तो मैंने बताया, परसेप्शन बना दिया जाता है। पार्टी का संगठन पूरी तरह से एकजुट होकर काम करता है, जिलाध्यक्ष उसी के हिसाब से पूरी पार्टी अपनी कोर ग्रुप में रणनीति बनाती है और प्रदेश का नेतृत्व भी पूरी नज़र रखता है। इसलिए चुनाव में परिणाम आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। संगठन ने सबने काम किया, कार्यकर्ताओं ने काम किया, हर कोई किसी उम्मीदवार की की घोषणा के बाद खुश हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर जगह पर चार चार पाँच पाँच दावेदार होते हैं। देखिए, आप इंदौर में हम सब दावेदार थे, काम किया सबने, चुनाव के परिणाम आपके सामने हैं। तो ये हर जगह की अपनी अपनी एनाटॉमी है, हर जगह काम करने का तरीका है। लेकिन हम वहाँ पर जीत रहे हैं रतलाम में, ये कार्यकर्ताओं के परिश्रम, मेहनत और उनकी निष्ठा और समर्पण का प्रमाण है। डॉक्टर सूर्य, आप कुछ कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता ये मानने को अब तैयार हो गए कि भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी है। हम तो मान ही नहीं रहे गुटबाजी, हम तो गुटबाजी मान नहीं रहे। गुटबाजी हमारे डिक्शनरी में ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि हो जाता था, जिसको निशान मिल जाता, जिसका टिकट आता था, सब उसके लिए जुट जाया करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहने को तैयार हैं कि कुछ नाराज होते हैं, कई लोग नाराज होते हैं। नहीं नहीं, एक जगह पर देखिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए। हमारे पास उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त थे, आपके पास उम्मीदवार ही नहीं था, आपने विधायक उतार दिए। हमारे पास तो कुछ ही नहीं, हम तो मध्य प्रदेश में खत्म है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से। जनता जवाब दे रही है रोज, इनके विश्वास सारंग जी, नरोत्तम मिश्रा जी, कांग्रेस खत्म, कांग्रेस खत्म, इन बातों को बात करते हैं। आप भी ये स्वीकार करने लगे? नहीं, हम नहीं स्वीकार। हमारा तो संगठन मजबूत है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है हमारे यहाँ। तो आप बार बार बात से पलट जाते, पर मेरी जो इम्पोर्टेंट बात है, चलिए आपकी बात छोड़िए, मैं एक विशेष बात जो मैंने कार्यक्रम में पहले भी कही, भारतीय जनता पार्टी चाहे चंबल हो, विंध हो, महाकौशल हो या मालवा निमाड़ो, गुटबाजी से ग्रस्त है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति। मैं बोल रहा हूँ, चार चार गुटों में बढ़ चुकी है और हम इसका फायदा उठाएंगे। हमारे लिए खुशी की बात है। हम तो हमारा सिंधिया जी के जाने के बाद में हमारी पार्टी एक है, हमारी पार्टी में कहीं कोई दिक्कत किंतु परंतु है नहीं। आप सोचते रहिए, हमें मालूम है हमारी पार्टी में क्या है और आपका नजर आ रहा है जनता के बीच में क्या है। ग्वालियर का परिणाम शुद्ध रूप से गुटबाजी का परिणाम है, रतलाम के अंदर गुटबाजी का परिणाम है। मुरैना में कांग्रेस की प्रत्याशी 9100 वोटों से आगे हो गई है, बीजेपी के 10 पार्षद, और निर्दलीय प्रीति सूरी कटनी में 2500 वोटों से आगे हो गई है। कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं, अभी बीजेपी की ज्योति दीक्षित वहां पीछे चल रही हैं, प्रीति सूरी आगे चल रही हैं, और शारदा मालवी मुरैना में कांग्रेस की आगे चल रही हैं। मीना जाटव मुरैना में, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थे जिनको सरकारी नौकरी छुड़वाकर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था आंगनवाड़ी में मुरैना में, वो हार गई हैं। अभी हम ब्रेक का समय हो रहा है, ब्रेक के तुरंत बाद हम हाजिर होंगे और आपको नई जानकारियां देंगे, नई सूचनाएं देंगे, अपडेट्स। आप देख रहे हैं महासंग्राम का महाकवरेज, सबसे ज़्यादा तेजी के साथ हम अपडेट्स कर रहे हैं सारी सारी नगर परिषदों का, नगर पालिकाओं का, और अभी तक की आंकड़े जो बता रहे हैं उस हिसाब से जो 16 नगर निगम हैं उसमें से 9 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, 5 नगर निगम कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई दिखाई दे रही है, और 2 नगर निगम पर अन्य का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते रहिए डीजीएनए न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।